राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज़ादी के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों के दौरान दो दिवसीय दौरे पर सागर पहुंचे थे। इसी यात्रा के दौरान वह करीब आधा घंटे के लिए देवरी नगर पहुंचे थे। यहां पर महात्मा गांधी की याद में नगर के लोगों और उस समय की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों सहित अन्य लोगों ने गांधी मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस मंदिर में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पर गांधी भक्त राजीव दीक्षित के द्वारा रोजाना सुबह शाम पूजा बत्ती की जाती है। इसके साथ ही रामधुन निकाली जाती है, जिसमें वह रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम भजन का गायन करते हैं। राजीव दीक्षित बताते हैं, साल 2012 से उन्होंने यह शुरू किया था, जिसके बाद से गांधी जयंती तो मनाते ही हैं, साथ ही शहर के अन्य लोग और नगर के लोग जो यहां पर जुड़े हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन सब की भी पुण्यतिथि और जन्मतिथि को मनाया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। साल 1933 में महात्मा गांधी सागर जिले के देवरी पहुँचे थे और यहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, मालगुजारों और दलितों के साथ मिलकर चर्चा की थी। इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने चर्चा की थी, जिसके बाद यहीं पर महात्मा गांधी की याद में यह मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। आज़ादी के पहले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस स्थान पर बैठकर अपनी रूपरेखा तय करते थे। 1923 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देवरी आगमन हुआ। गांधी जी की याद में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गांधी मंदिर का निर्माण करवाया। गांधी मंदिर में सभी महापुरुष एवं देवरी नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो लगी हुई है। सभी की जयंती एवं पुण्यतिथि गांधी मंदिर पर हम सभी के सहयोग से मनाते हैं। गांधी मंदिर हम सबका गौरव है। यह कार्यक्रम हम 2012 से निरंतर कर रहे हैं। सुबह निकलते हैं गांधी मंदिर से प्रभात फेरी लेकर स्टैंड गांधी स्मारक पर जाते हैं, रघुपति राघव राजाराम का भजन गाते हुए जाते हैं। यह हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या बन चुकी है। नगर के लोग हमें गांधी भक्त के नाम से जानते हैं।